दोस्तों मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज एकदम हैप्पी होली का दिन है। आज भी मैं आपको गॉड गिफ्टेड प्रोजेक्टर मॉल के ऊपर चौथे मंजिल के ऊपर जो कल्टीवेशन होता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट पोषण फर्टिलाइजर का फर्टिलाइजर से एकदम शॉर्ट में दिखाऊंगा थोड़ा बहुत कल्टीवेशन का सीक्रेट। इस सीजन में यह बहुत फायदेमंद है और करना जरूरी है। और दोस्तों मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, हैप्पी होली मनाने से पहले, आज तो होली मनाएंगे, मैं आज ही ये वीडियो लोड कर रहा हूँ, आप लोग मेरा साथ में रहिए और ये चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके रखिए, आपका टाइम विफल नहीं जाएगा। एकदम प्रूफ के साथ खेतीबाड़ी का शेयर करूँगा दोस्तों। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन जो बोल के गया है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, और कितना साइंटिस्ट कितना टॉपिक बोल के गया है, सेव ट्रीज सेव लाइफ द सीक्रेट ऑफ आवर हेल्दी लिविंग लाइफ। तो जीवन एक ही बार मिला है, ये ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। फिल्म भी बन चुका है, हिट भी हो चुका है, लेकिन आदमी लोग करता नहीं है। मेरा चैनल का जितना सब्सक्राइबर है, प्लीज़ मेरा ये कहना मानिए और आदमी को ये टॉपिक मानने में थोड़ा रिक्वेस्ट भी कीजिए, क्योंकि हम बोल बोल के अगर किसी को सही रास्ते में ला पाए, ये सबसे अच्छा काम है। मेरा यही सपना है, वर्ल्ड वाइड एक बीमार मुक्त वातावरण तैयार हो जाए, शुद्ध ऑक्सीजन तैयार हो जाए, तो उसका प्रूफ दिखाऊंगा। सूरज उठ रहा है अभी, एकदम सुबह सुबह फ्रेश माइंड में मैं सोचा जो कुछ मैं करता हूँ इसका एक बार अपग्रेड दे ही देता हूँ। तो पंछी का आवाज़ आते ही मैं भी उठ जाता हूँ फ्रेश होकर। मेरा कलयुग का अमृत ऑलरेडी खा लिया, 1.5 लीटर पानी कम्प्लीट हो गया। मैं बहुत वीडियो में बोल चुका हूँ दोस्तों, प्लानिंग और एक्शन, प्लानिंग भी करना पड़ेगा और काम भी करना पड़ेगा, सिर्फ ब्रेन में प्लान आने से काम नहीं चलेगा। तो चलिए दोस्तों अभी बैक कैमरा जाएंगे, आपको दिखाएंगे ये जो जितना हरियाली खेतीबाड़ी है, इसके साथ एकदम दिल से दिल मिलाकर काम करना है। कौन सा पेड़ का क्या जरूरत है, सीक्रेट टू सीक्रेट आपको जानना है, तो तभी पेड़ पौधा आपसे बातचीत करेगा। चलिए बैक कैमरा देखिए दोस्तों, एकदम सूरज अभी उठ रहा है, सिर्फ लाल होके कितना सुंदर वातावरण, चारों तरफ पंछी का कितना सुंदर आवाज़ गूंज रहा है। बीच बीच में रेलवे स्टेशन नज़दीक है तो रेल का हॉर्न भी आ जाता है। कितना सुंदर साथ का वातावरण चेंज हो गया। और मेरा ये हरियाली साथ गार्डन साथ बागवानी कैसा लगा, कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। ये एक महीने के अंदर मिर्ची लग जाएगा और साथ में बैंगन है, बहुत सारा बैंगन लगा है, खा भी लिया, कम से कम 2.5-3 किलो के ऊपर बैंगन खा भी लिया, बहुत सारा बैंगन लग गया। तो इसका सीक्रेट क्या है मैं बोल के देता हूँ, ये बैंगन लगने का सीक्रेट। इस सीजन में बहुत ड्राई वेदर है, इस सीजन में पानी देते ही पानी सूख जाता है, लेकिन इसके साथ ये इसमें क्या करता हूँ मैं थोड़ा प्रैक्टिकल भी दिखाऊँगा, साथ में रहिए, एकदम शॉर्ट में बताने वाला हूँ ये बैंगन में क्या करता हूँ। और ये देखिए मैंने भिंडी लगाया, भिंडी लगाया ऊपर नेट क्यों दिया, ये जब तक थोड़ा सा बड़ा नहीं होता, इतना साइज नहीं होता, तब तक ये पंछी डिस्टर्ब करेगा, वो आकर उठा लेगा। जब फल होगा पंछी खाए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये पेड़ के साथ पंछी लोग भी खेलना पसंद करता है, तो यहाँ पर आकर खेलता है, नहाने का कोशिश करता है पंछी लोग, तो इसीलिए मैंने ये नेट से ढक के रखा हूँ। और एक सीक्रेट मैं बताता हूँ, ये मैंने 3-4 कार्टून में भिंडी लगाया एकदम पोषण फर्टिलाइजर के साथ। देखिए एकदम सीक्रेट दिखाता हूँ, ये जो दिख रहा है ना, ये भिंडी का सीड जो मैंने लगाया था, देखिए बहुत सीड एकदम नॉर्मली हो गया, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन किसी किसी का प्रॉब्लम होता है, इसका जो सीड का कवर है ना ये खोलना नहीं चाहता, किसी किसी में प्रॉब्लम होता है। तो क्या है, इसको आपको दोनों हाथ से बढ़िया से पकड़ कर ये सीट का जो माथा होता है ना, इसको निकाल के देना पड़ता है, ये समझना चाहिए, लेकिन ये एक हाथ से नहीं होगा, धीरे से मैं कोशिश करता हूँ आपको मैं समझाने का, धीरे से इसको सीट को तोड़ देना है और खोल के देना है। ये देखिए मैं एक ही हाथ में कोशिश किया तो एक दूसरा चला आया, एक्चुअली इसको दोनों हाथ से करते तो ये खोल के नहीं आता, मैं आपको एक दूसरा कोशिश करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये खोल गया ना, ये ऐसे ही खोल के देना है, नहीं तो ये बड़ा होते थोड़ा प्रॉब्लम होगा, ये इसका सीक्रेट है, क्लियर करके देना पड़ेगा। अभी यहाँ पे भी ऐसे मैंने ज़्यादा घन हो गया, ये नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अपना इच्छा से, क्योंकि हर पेड़ तो होता नहीं है, किसी का ग्रोथ में प्रॉब्लम होता है, तो जिसमें प्रॉब्लम होगा उसको उगल के फेंक देंगे, जो अच्छा वाला ग्रोथ होने वाला पेड़ है उसको रखूँगा। भिंडी ये देखिए सीक्रेट, ये पेड़ पौधा से आपको
समझदार से ये दोनों हाथ से मैं कर दूंगा, एक दिखा दिया ऐसे ही, ये हर पैर से कर देना है जिसका जिसका डिस्टर्ब हो रहा है। तो ऐसे ही देखिए यहाँ पे प्रूफ मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे काल मैंने सबका मैंने हटा दिया था, बहुत का था तो आज एकदम ओके हो गया। तो ये जल्दी जब पत्ता फैलेगा तभी ना ये बड़ा होगा, तो ये हेल्प करके देना पड़ेगा, ये काम आपको नज़र रखना है। और कौन सा पेड़ का कैसे क्या ज़रूरत होता है, रूट में पानी कोई कीटाणु उटनु है तो ये देखिए यहाँ पे एक नज़र आ गया, आपको नज़र रखना चाहिए। और जब भी आप ऐसे ही घूम फिर के पेड़ पौधों के साथ घूमेंगे, आपका यहाँ से पूरा एंटीऑक्सीडेंट आएगा। ये देखिए ये पत्ता खा रहा है, ये देखिए। तो ये क्या करना है, स्प्रे का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ देखते देखते आपको जब नज़र में आएगा उसको थोड़ा पकड़ के लाकर एकदम पेड़ से मार देंगे। ये देखिए ये एकदम मार देंगे, एकदम कहानी ख़त्म, वो और डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। तो ऐसे ही थोड़ा घूम घूम पे आपका मॉर्निंग वॉक भी हो गया, एक्सरसाइज हो गया, आपका मतलब ऑक्सीजन अंदर आ रहा है, एंटीऑक्सीडेंट अंदर आ रहा है, और आपका ये देखभाल भी हो गया, कितना पॉजिटिव दिख गया। और यहाँ से पूरा शुद्ध ऑक्सीजन निकल रहा है, और हर पेड़ पौधे का क्या है, एक पावर है, इसी पेड़ पौधे का पावर के ऊपर हम लोग जिंदा रहते हैं। ये पुराना एक साल का मिर्ची का पेड़ है, ये इसमें कैसे दोबारा ग्रोथ आ रहा है इसका सीक्रेट दिखाता हूँ। अभी प्लानिंग करके खाना पड़ेगा, बाजार का पूरा जहरीला खाना से बचना पड़ेगा दोस्तों, नहीं तो हमारा मेहनत का पैसा डॉक्टर और नर्सिंग होम चूस चूस के खा लेगा। तो दोस्तों अभी सीक्रेट दिखाता हूँ, आइए यहाँ पे देखिए, ये सरसों का खोल और थोड़ा सा अंडे का छिलका, केले का छिलका और एक लीटर भात का मार पसाने के बाद इसका पानी देना शुरू करना पड़ता है। कैसे देते हैं साथ में रहिए, अभी दिखाऊंगा। यहाँ पे फिर पांच इंग्रेडिएंट है, इसी का एक मिश्रण और यहाँ का एक मिश्रण है, पेड़ पौधों का महा दवा है ये, ऑल इन वन फर्टिलाइजर, इससे पेड़ पौधा जल्दी ग्रोथ आता है। ये जो मैं घाट रहा हूँ इसमें नो स्मेल, कोई दुर्गंध नहीं है दोस्तों, एकदम सही में बोल रहा हूँ। आप आइए प्रैक्टिकल देखिए, ये दोनों मिलाकर देखिए कैसे मिश्रण बनाते हैं, कोई छाखनी उखनी करने का कुछ जरूरत नहीं, एकदम सहज में लाइव प्रूफ देखिए मैं पेड़ पौधों से क्या करता हूँ। अभी इसका यहाँ पे कितना होगा, आधा लीटर से ज्यादा होगा, एक लीटर से कम है, ये ढक्कन का सीक्रेट को देखिए, मान के चलिए आधा लीटर लिया हूँ, हाँ ये दे दिया। और यहाँ का ये बाल्टी है 10 से 12 लीटर होगा, मैं इसका आधा लीटर दिया, फिर इसका मान के चले 2 लीटर दे दिया, 4 ढक्कन दे दिया। ये सरसों का खोल है, इसका ज़्यादा होगा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा होगा तो प्रॉब्लम, ये बहुत पावरफुल है। अभी ये बाल्टी को भर्ती करूँगा, ये देखिए दोस्तों। तो देखिए ये लिक्विड फर्टिलाइजर रेडी हो गया, एकदम कितना बढ़िया, ठीक है, कोई दुर्गंध नहीं है, नो टेंशन। मैं आपको एकदम सीक्रेट बता के देता हूँ, इसको ढक के ही रखना है, याद में रखिएगा। चलिए सीक्रेट देखते हैं, वो नज़दीक जाकर दिखाते हैं। यहाँ पे चंदनी बथुआ था, मैंने दिखाया था, ये देखिए उसको काट दिया, जब पूरा ठोक गया खाने लायक नहीं है तो काट दिया। देखिए कितना बैंगन लग चुका है, फिर भी ये इसको मिट्टी को भी थोड़ा, ये जब रूट पचेगा तब तक इसका ग्रोथ आएगा। ये हर रोज मैं शाम को, अभी तो सुबह दे रहा हूँ लेकिन सिर्फ आपको लोगों को मैं प्रैक्टिकली दिखाने के लिए, ये शाम को देना पड़ता है, जब सूरज ढल जाता है तब देना पड़ता है, और सुबह सिर्फ खाली पानी देना पड़ता है। लेकिन आज आपको सामने मैं ये दिखा कर दे रहा हूँ, ये देखिए हर कार्टून में आपको ऐसे ही दो तीन, एक से डेढ़ लीटर दो लीटर तक दे सकते हैं, मिट्टी को भिगा देना है, भिगा दिया, सुबह सिर्फ खाली पानी देना है, यही सीक्रेट है। ये हर रोज मैं ये करता हूँ, जो हर रोज देता हूँ वो सरसों का खोल का पानी ही देता हूँ, लेकिन हफ्ते ये दो चार दिन बाद वो जो पोषण फर्टिलाइजर का लिक्विड है वो इसमें मिक्स कर देता हूँ, क्योंकि ड्राई वेदर है, मिट्टी सूख जाता है और न्यूट्रिशन नीचे जितना ज़्यादा जाएगा पेड़ का उतना ग्रोथ ज़्यादा आएगा, यही है सीक्रेट एकदम पेड़ पौधों का। और ये जो लहसुन ये प्याज ग्रोथ लिया है, ये सबसे लास्ट में लगाया, ये भी ग्रोथ आ गया, ये ग्रोथ आने का हफ्ते भर में ग्रोथ आएगा, सिर्फ यही सरसों का खोल और बीच बीच में वो पोषण फर्टिलाइजर का पानी मिक्स करके ये यहाँ पे सेम करके दिया था। अभी जो वो मिर्ची दिख रहा है, ये मिर्ची
ये जो मिर्ची दिख रहा है इसका भी ग्रोथ आएगा। ये काल से मैंने दिना शुरू किया, जो जब ये प्लेन को छोटा छोटा उगल लगाया, तीन चार दिन ये सेट होने में टाइम लगता है। जब तक सेट नहीं होता तब तक इसमें फर्टिलाइजर एक्स्ट्रा नहीं दिया जाता, क्योंकि यहाँ पे पोषण फर्टिलाइजर ऑलरेडी मिक्स है वो डस्ट में। उसमें जब ये पेड़ सेट होगा तब हर रोज अभी इसमें देना शुरू कर दिया। देखिए ये सेट हो गया और इसमें देना शुरू कर दिया, तो इसका देखिए ये ग्रोथ सुंदर अभी ले रहा है। हफ्ता भर देना है, जब तक फल आना शुरू करेगा तब तक ये हर रोज दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। हल्का पावर बना के देता जाइए ऐसा करके। ऊपर से नहीं, धीरे से, पेड़ को समझ में नहीं आना चाहिए, उसका रूट में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, शांति से देना है, यही है सीक्रेट। देखिए इसका ग्रोथ आ रहा है, जब तक फल आएगा। इस सीजन में बहुत पानी सूख जाता है जल्दी से जल्दी, इसीलिए हर रोज देना है। मैं ये काम हर रोज करता हूँ। वो जो चालकुमरा का पेड़ दिख रहा है वो कहाँ पे हुआ था, मैंने रोया नहीं हूँ। वो बैंगन का कोने पे जो बैंगन का कार्टून दिख रहा है, ये कार्टून पे यहाँ पे हुआ था अपने आप। ये जो दिख रहा है ये भी मैंने नहीं लगाया, ये भी नहीं लगाया, अपने आप हो रहा है। तो इसको मैं जानता हूँ, इसको फिर बाद में दूसरा जगह ट्रांसफ़र कर दूंगा। ऐसे ही वो चालकुमरा को भी ट्रांसफ़र कर दिया था। ये देखिए नज़दीक जाकर दिखाता हूँ, लाइव समझने का कोशिश कीजिए। हेल्दी रहने का प्लानिंग दोस्तों, इससे सस्ता और अच्छा रास्ता आपको नहीं मिलेगा। पेड़ पौधा से घुल मिल जाइए, दोस्त है यही पेड़ पौधा, हमारा दोस्त है। इसको खाकर हम जिंदा रहेंगे, हेल्दी रहेंगे दोस्तों। डॉक्टर का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन हम बाजार से जो कुछ लाकर खा रहे हैं एकदम गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक, पूरा का पूरा आर्टिफिशियल है दोस्तों। मैं रिकेश के साथ बोल रहा हूँ, तो इसको जान जाइए। धीरे से इसका मिट्टी निकलना जाए, रूट निकलना जाए, हर रोज प्लानिंग कीजिए और देखिए चेहरा ग्रोथ सुंदर। अभी ये धीरे धीरे ऊपर उठ जाएगा, एक महीने डेढ़ महीने के अंदर फल भी लगेगा। लाइव प्रूफ दिखाऊंगा, साथ में रहिए, बोल रहा हूँ दोस्तों। दूसरे को शेयरिंग कीजिए, यही रिकेश के साथ हेल्दी रहिए और हर रोज प्लानिंग करते रहिए। आप लोगों के लिए हैप्पी हैप्पी होली मनाइए। फिर होली के बाद फिर बहुत सारा टॉपिक आने वाला है, आजकल के अंदर फिर प्रोजेक्टर का वीडियो डालने वाला हूँ, भूलिएगा नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए टाटा बाय बाय, आप लोग का दिन बहुत बहुत शुभ रहे, थैंक यू।